चलिए स्टार्ट करते हैं थेपला बनाना। थेपला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा 1.5 कप। इसमें हम ऐड करेंगे अराउंड 1 कप बेसन, मेथी जिसको मैंने धोकर अच्छे से काट लिया है। धोना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेथी में बहुत ज्यादा मिट्टी आती है, इसलिए आप मेथी को अच्छे से धो लें। यहाँ पर ही मैंने 1.5 कप मेथी ली है, इसमें से मैं 1 कप मेथी इसमें ऐड कर दूंगी। 2 से 3 हरी मिर्च ऑप्शनल है ये। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जिंजर लिया है, 1.5 चम्मच अजवाइन जिसको हम हैंड से अच्छे से क्रश कर लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ऐसा ऑयल। अगर आप थेपले को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल को ऐड कर सकते हैं। वाटर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा और एक डो बना लेंगे। बहुत ज्यादा टाइट या सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, हार्डी इसको। डो को बनाने के लिए मुझे 1/4 कप वाटर मैंने यूज किया है और ये हमारा डो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम डो को 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। हम थेपले को रोल करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल नहीं यूज करूंगी, हम इसको थोड़े से ड्राई फ्लावर के साथ रोल करेंगे। मैं यहाँ पर छोटे छोटे थेपले बना रही हूँ, आप इनका साइज बड़ा भी बना सकते हैं। इसी तरह हम और थेपले बना लेंगे। दिस थेपला इज हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इजी टू कुक है, बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो चलिए अब हम अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे थेपलों को सेक लेते हैं। आप इनको लो फ्लेम पर ही पकाएं, अगर आप इनको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो मेथी जो है वो थोड़ा सा बिटर फ्लेवर देगी। वाओ कितनी अच्छी मेथी की खुशबू आ रही है, इट्स रियली यमी। देखिए हमारा छोटा सा प्यारा सा थेपला बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपके पास थोड़े से सेसमी सीड है तो आप इसमें सेसमी सीड भी स्प्रेड कर सकते हैं। सेसमी सीड से बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और सेसमी सीड के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। जब तक मैं और थेपले बनाती हूँ आप प्लेटिंग एंजॉय कीजिए।